Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another vlog. Sorry, जो vlogs हैं थोड़े बहुत late आ रहे हैं because the problem is कि मेरा जो phone है वो है टूट गया and मैं vlog ही नहीं बना पा रही हूँ. जो ये वाला phone है जिससे मैं vlog कर रही हूँ, ये मेरे office का phone है, तो मुझे इसमें ज़्यादा मैं sites open नहीं कर सकती, restricted होता है because office के phone में हम ज़्यादा अपना personal जो काम है वो नहीं कर सकते. तो मैंने कहा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लैपटॉप से वीडियो अपलोड कर सकूँ. तो देखते हैं कि मैं कैसे करूँगी बिकॉज मुझे आदत नहीं है. मैं फ़ोन्स में ही जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैंने डाउनलोड किए हैं और मैं फ़ोन से वीडियो एडिटिंग करती हूँ. नहीं नहीं हूँ ना यूट्यूब पे, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया और वीडियो भी मैंने कोई नहीं डाली है बिकॉज मेरा फ़ोन टूट गया है. एंड जो फ़ोन है हम कोशिश कर रहे हैं नया बाय करने के लिए, लेकिन हर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक आ रही है. जो मेरा फ़ोन था ना वो था 14 प्रो मैक्स. सो सीढ़ियों से मैं जा रही थी तो स्टेयर से वो गिर गया एंड वो सारा टूट गया. लकली इंश्योरेंस थी मेरे पास, तो मैं वहाँ पे गई और उन्होंने कहा कि या तो इसको फिक्स करेंगे हम तो उसको टाइम लगेगा, या फिर आप न्यू वाला ले सकते हो, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक है. 14 प्रो मैक्स है जो, तो वो आप वेट कर सकते हो. एंड देन मैंने उनके पास जाके प्लान्स वगैरह पूछे कि क्या क्या प्लान्स होंगे अगर मुझे नया वाला लेना हो, बिकॉज अभी जो नया वाला है वो भी लॉन्च हो गया 15 प्रो मैक्स, तो लगभग मतलब ऑलमोस्ट सेम ही पड़ रहा है. तो मैंने कहा कि चलो 15 प्रो मैक्स ही ले लेते हैं, वो है भी 256 GB और मुझे हेल्प भी हो जाएगी क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ. तो बट अगेन आउट ऑफ स्टॉक. हर जो भी कैरियर है उससे पूछ लिया, टेलस, रॉजर्स, फाइडो, एवरीथिंग, बट नहीं है. जो कलर मुझे चाहिए था वो नहीं है. इवन कि कोई भी कलर मैंने कहा चलो मिल जाए, बट नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक ही आ रहा है अभी. तो आई डोंट नो कि कब मुझे फ़ोन मिलेगा, तो इसलिए मेरे साथ बने रहना. तो लेकिन वो वाली बातें तो हुई अलग. तो जो आज की वीडियो है वो स्पेशल तो होने वाली है बिकॉज हम जा रहे हैं एक और ट्रैवल पर. जैसे कि जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं, वो पता ही होगा कि हम अक्टूबर के मंथ में, बिकॉज हमारी एनिवर्सरी भी होती है, अंकुश का बर्थडे भी होता है, तो हम ट्रैवल करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कहीं जा पाए, कहीं घूम पाए. तो इस बार हाँ बाहर नहीं जा रहे, कनाडा के अंदर ही जा रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, तो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जितना भी कर सकते हैं ट्रैवल ट्रैवल ही होता है. तो कनाडा के अंदर ही जा रहे हैं, तो वो तो आपको मेरी आगे वीडियोस में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं. और कनाडा से हम एक और जगह जा रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है. तो बने रहना, आगे ट्रैवलिंग व्लॉग आएंगे. होपफुली मेरा फ़ोन जल्दी मिल जाए तो मैं शूट कर पाऊँ एंड देन मैं आपको धीरे धीरे व्लॉग्स दे पाऊँ. सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जब तक है इस फोन से काम चलाते हैं. तो जो आज का दिन है वो थोड़ा सा बिजी रहने वाला है बिकॉज हमारी दो दिन के बाद फ्लाइट है एंड जो घर में है थोड़ा सा मैसअप हुआ पड़ा है. मुझे थोड़ी सी लॉन्ड्री वगैरह भी करनी है कि मैंने कहा थोड़े से कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, तो साथ साथ मैं आपके साथ बात भी करती रहती हूँ एंड काम भी करते रहते हैं और ट्रैवल प्लान भी अपना बताती रहती हूँ. सो लेट्स गो. व्हाइट कपड़े हैं वो मैं एक साथ नहीं धोती हूँ, मैं सेपरेट धोती हूँ. उसके लिए मैं जो वाइटनर है वो यूज़ करती हूँ. वैसे तो आप ब्लीच भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे इतनी मुझे लगता है कि कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं, तो स्पेशली मैं ये वाला जो वाइटनर है वो यूज़ करती हूँ. इसको क्या करना है, गर्म पानी में एक ढक्कन आप इसका डाल दो एंड एटलीस्ट हाफ एन आवर और एक घंटे के लिए आप ना जो है ना कपड़ों को पानी में भिगो कर रख दो. उसके बाद आप जो वॉश कर दो उसको एंड देन आपके जो सीरियसली ट्रस्ट मी जो कपड़े हैं एकदम वाइट हो जाएंगे. तो ये मैंने लिया है, वैसे ये ना मोस्टली कनेडियन टायर से ही मिलता है, वॉलमार्ट में भी कभी कभी मिल जाता है, मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही होता है बिकॉज इसकी डिमांड काफ़ी है. आई थिंक 10 to 11 dollars का ये पड़ जाता है. सो या आप इसको चेक कर सकते हो.
मैस देख रहे हो, पता चल ही गया होगा देखने से कि ये क्या मैस है। ये होता ना कि जब आपने कपड़े वगैरह तो धो लिए हैं, लेकिन उसको जो फोल्ड करने का आलस होता है ना, वो मेरे में है। बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कपड़े वॉश वगैरह कर देती हूँ, ड्राई वगैरह कर देती हूँ, वैसे मैं क्या कर देती हूँ, मशीन ही करती है, मतलब धो देती हूँ, लेकिन जब उनको फोल्ड करने का टाइम आता है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। किस किस को ऐसे आलस आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये आई थिंक 2-3 लोड थे तो मैंने ये धो दिए थे, लेकिन फोल्ड करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, या फिर कह लो थोड़ा सा आलस आ गया। नीचे जो हमारा ये रूम है ना, ये हमेशा मैसअप ही रहता है कपड़ों से, तो मैंने सोचा कि अब हमने जाना है ट्रैवल पर, तो हमारा तो यही होता है कि हम थोड़ी सफाई वगैरह कर कर ही जाएं, बिकॉज जब वापस आएं तो हमें एक यू नो रिलैक्स वाली फीलिंग हो। अगर गंद देखो ना, वापस आए और गंद देखो ना पड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छा लगता। तो चलो कोशिश करते हैं कि आज इसको मैं क्लियर अप कर दूं। तो जो ऑलमोस्ट कपड़े थे वो मैंने फोल्ड कर दिए, लेकिन अभी भी एक लोड मैंने लगाया हुआ, तो मैंने कहा वो भी हो जाता तो फिर एक साथ ही यू नो कर देते हैं। इस रूम को आज मैं सोच रही हूँ कि क्लीन कर ही दूँ, लाइक पूरा सेटअप कर दूँ, काफ़ी दिनों से मैसअप हुआ पड़ा था। मैं फोल्ड कर रही थी तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये ना हमने नए टॉवल्स बाय किए कॉस्को से, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और इनकी जो लेंथ है ना वो भी बहुत मतलब अच्छी लेंथ है इसकी। ये जो टॉवल्स हैं वो हैं एवोल्यूशन के, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हो। आई थिंक $15 to $16 का एक टॉवल है। तो बट एक टिप मैं आपको ये दे दूं कि जब आप इसको बाय करोगे ना, तो उसके बाद आप इसको वॉश कर लेना एक टाइम, तो वो जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो ये जो थ्रो टाइप है ये भी मैंने कॉस्को से ही बाय किया है, ये अग का है, तो इतना सॉफ्ट और इतना वॉर्म है ना, बहुत ही ज़्यादा वॉर्म है ये, और इसकी जो लेंथ है और विड्थ है, लेंथ जो भी है ना, तो अगर आप किंग साइड बेड लोगे ना, उस पर आप ये प्रॉपरली अच्छी तरह से डाल सकते हो। मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ, जैसे मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो मैं उसके ऊपर ये डाल देती हूँ। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये, आपको ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत वार्म करता है आपके बेड को, तो ये भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त जो है ना कॉस्को में बहुत सारी डील्स लगी हुई हैं, तो मैं इसलिए मैंने कहा आपको बता देती हूँ, अगर कोई कॉस्को जाता है कनाडा में रह रहा है, अगर कोई मेरे को देख रहा है जो कॉस्को जाते हैं, उनको तो चलो पता ही होगा, लेकिन कहा कि मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट ईयर वैसे ये हमने लिया था, तो मैंने एक और लिया हुआ, वो मेरे सेकंड बेडरूम में है, तो बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। सर्दियाँ आ रही हैं कनाडा में, तो आप ये चीज़ ले सकते हो अगर आपको ठंड से बचना है तो। कॉस्को का मुझे यही अच्छा लगता है कि जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो नई चीज़ें वो लाते रहते हैं, वो भी डिस्काउंट प्राइस पे, तो बहुत अच्छा रह जाता है। अगर आप वॉलमार्ट वगैरह जाते हो ना, तो आपको वो चीज़ मिलती नहीं है जो आपको चाहिए होती है, बट कॉस्को में हमेशा मुझे वो मिल जाती है। एंड अब मैं देख रही हूँ, एक और मैंने ना क्विल्ट लानी है जो मेरे एक रूम में पड़ी हुई है, सेकेंड रूम के लिए भी मैंने वो लानी है, अब कॉस्को में मैं देखूँगी नेक्स्ट टाइम, तो वो भी बहुत अच्छी है। इतनी वॉर्म है कि आपको बस, कनाडा की ठंड आपको पता है ना -20 degrees जाता है, लेकिन अगर आपने वही वाली रजाई ऊपर ली हो ना, तो आपको वही चाहिए, बस बहुत सही है। ये देखो ये जनाब, ये मेरे क्यूटर, ये आ गए हैं, अब इनका नींद का टाइम हो गया, चलो अभी मैं इसको करवाती हूँ नैप, एंड देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब पता नहीं इन्होंने सोना भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश तो करी है। एनीवेज इनको अभी इनका टाइम देते हैं, तो जब नींद दोबारा आई होगी तो देन मम्मा के पास फिर से आ जाएगी। तो मैं बात कर रही थी कॉस्को की, तो बट कई लोग पता क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि आप कॉस्को से सामान लेते हो, कॉस्को से इतना यू नो बिल बहुत ज़्यादा आता है, जब भी आप जाते हो कॉस्को में तो यू ऑलवेज ओवर स्पेंड, ऐसा एक मतलब एक माइंड सेट हो गया हुआ कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हो जो आपने नहीं लेनी होती। तो यार मैं तो यही कहूँगी कि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ें लेनी है, आप वो आपकी पावर है।
अगर आप इवन कि वॉलमार्ट में भी जाते हो, सुपर स्टोर में भी जाते हो, अगर आप में ये पावर नहीं होगी कि आपने ये चीज़ नहीं लेनी, आपकी ये ज़रूरत की नहीं है, तो आप वहाँ पे भी ओवर स्पेंड कर लोगे। तो हम जब भी जाते हैं ग्रॉसरी करने, तो हम यही चीज़ें उठाते हैं कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हम यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी ऑलवेज गो लाइक एवरी 2 week or 3 week। हम रोज़ रोज़ कॉस्को नहीं जाते, और मतलब अगर हम 2 week के बाद जाते हैं तो हमारी ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है, वो हम इसलिए लेने जाते हैं। अगर हम ओवर स्पेंड करेंगे, हाँ जी आपको भी आना है, आप क्या करोगे आकर, क्या करोगे आप आकर, सोना तो आपने है नहीं, चलो खेलो फिर खेलो। तो मैं कह रही थी कि अगर हम ग्रॉसरी लेते हैं तो हमारी ख़त्म होती है, हम यूज़ करते हैं तभी हम लेने जाते हैं। तो यही मानना है कि काफ़ी ज़्यादा डील्स वहाँ पे लगी होती हैं, आपको बेटर प्राइस कॉस्को से कहीं और नहीं मिल सकता। जैसा कि होता है, थोड़ा कैमरा शेक करेगा बिकॉज जो मेरा कीकू है ना यहाँ पे मुझे तंग कर रहा है। मामा के पास आना है इनको, बस मामा के पास आना है इनको, मामा के पास आना है, मामा के पास आना है। मैं बात करती हूँ आपसे, पहले ना लंच बना लेते हैं और बाकी बातें बाद में करते हैं। कि अंकुश ना घर पर आता है 12-1 बजे लंच करने के लिए, ऑफिस पास में ही है, तो पहले मैं लंच कुक कर लेती हूँ। तो फिर मुझे ना थोड़ा मार्केट भी जाना है। मार्केट मेरे को इसलिए जाना है बिकॉज आपको तो पता है कि हेलोविन है, तो हम हेलोविन पे यहाँ पर होंगे नहीं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि ना जैसे हमारा होता है ना, हमारा कल्चर लोहड़ी में बच्चे जाते हैं बकेट लेकर घर घर लोहड़ी मांगने, तो यहाँ पे हेलोविन का क्या होता है कि ट्रीट्स वगैरह लेने आते हैं। घर पे नहीं थे तो हमने कैमरे से देखा, छोटे छोटे बच्चे ना आ रहे थे ट्रीट्स लेने के लिए, तो मेरे को बहुत फील हुआ कि यार कुछ रख देते वहाँ पे डोर पर तो बच्चे ले ले। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना ट्रीट्स ला के ना मैं भी यहाँ पर रख दूँगी, ताकि उनको बुरा फील ना हो और हमें भी बुरा फील ना हो। तो देखती हूँ कि अभी जाऊँगी अंकुश के साथ या फिर शाम को जाऊँगी, बिकॉज वेदर आप देख ही होंगे ना थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो अगर मैं जाऊँगी तो मुझे केकी को भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, तो वेदर थोड़ा ठंडा है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अभी जाऊँ कि नहीं, और इसका अभी सोने का भी टाइम हो गया है, तो लेट्स सी क्या करते हैं। सो लंच मैंने रख दिया है, रेडी हो रहा है। यार फोन टूट गया ना मेरा, तो घर पे भी ना बात नहीं हो पा रही। ऐसे मैं यूजली क्या करती हूँ, लंच बनाते बनाते या फिर सुबह ना मॉर्निंग में ना इंडिया कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि उनका टाइमिंग ऐसा होता है। तो अब मेरा फ़ोन टूट गया है, मैं व्हाट्सएप वगैरह इस फ़ोन पे डाउनलोड नहीं कर सकती, एंड इंडिया में उनके पास व्हाट्सएप की है उनको नहीं आता मैसेंजर वगैरह और ये वगैरह नहीं, उनको फेसबुक वगैरह है नहीं उनके पास। तो मैंने कभी दूसरा जो कॉलिंग करते हैं वो कभी डाउनलोड ही नहीं किया। होपफुली कि यार मेरा फ़ोन मुझे जल्दी मिल जाए और मैं कॉल वगैरह उनको कर पाऊँ, क्योंकि मम्मा पापा वगैरह सारी फैमिली किसी से बात करती है, तो वो भी मिस कर रहे होंगे। बट तो मैं अंकुश के फ़ोन से फ़ोन कर सकती हूँ, बट वही है ना कि वो ऑफिस जाता है तो वीकेंड पे ही घर होता है, तो टाइमिंग ही ऐसा है तो बात ही नहीं हो पा रही। बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैंने अपने ब्रदर को कॉल कर दी थी, तो वो जो यूके में है तो उनको तो शाम को बात हो जाती है, तो उन्होंने बता दिया था घर पे कि ऐसा ऐसा है। तो बट देखो पर आप वेदर देखो, आप इतना सही हुआ पड़ा है ना, ऐसे ठंड ठंड वाली फीलिंग आ रही है। हे गाइस, तो कल बात करते करते ना बीच में ही व्लॉग रह गया, और मैं कुछ काम करने पड़ गई, साफ़ सफाई करने पड़ गई, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग बना रही थी, और वो वहाँ पे ही रह गया। बट एनीवेज कोई नहीं, आज स्टार्ट करते हैं। तो किचन विचन तो सारी क्लीन कर दी हुई है मैंने, कल मैंने मॉप वगैरह भी कर दिया था, तो हाउस तो लगभग ऑल डन क्लीन ही है। अब जैसे कि हमने कल जाना है तो पैकिंग बाकी है भाई, क्योंकि पैकिंग एंड टाइम पर ही होती है, पहले तो हो ही नहीं सकती ना, खासकर बच्चे के साथ हो ही नहीं सकती, पहले इम्पॉसिबल है। तो पैकिंग करनी है, और जो मैं आपको बता रही थी लास्ट वीडियो में कि मुझे ट्रीट्स ला के रखनी है बच्चों के लिए, बिकॉज़ हम हेलोवीन पे यहाँ पे नहीं होंगे, तो वो चीज़ भी मुझे आज करनी है, बिकॉज़ कल मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला।
एंड अंकुश को भी मैंने बोला था कि थोड़ी सी जल्दी आ जाना, बट उसको भी टाइम नहीं मिला, मीटिंग्स थी उसकी, तो वो भी जल्दी नहीं आ पाया। आज होपफुली वो हाफ डे लेकर आ जाएगा, तो देन हम जाएंगे ट्रीट्स वगैरह बाय करेंगे। और अभी थोड़ा सा ना मैं कॉफ़ी वगैरह बनाती हूँ, वो पीती हूँ, एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत एक दो छोटा मोटा मेरा काम है वो करूँगी फिनिश। तो क्योंकि अभी सो रही है, उसके बाद देखती हूँ कितनी पैकिंग मैं कर पाती हूँ, अंकुश भी तब तक आ जाएगा, तो देन फिर हम जाएंगे वो ट्रीट्स लेने। उस दिन बात कर रहे थे कॉस्को की, वहीं पे ही बात ख़त्म हो गई थी तो आगे बात हुई नहीं। तो मैं वही कह रही थी कि सबके लिए कॉस्को, मैं ये नहीं कहती कि सबके लिए ही बेटर है, सबके लिए अच्छा है। हाँ, पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास स्पेस है, बिकॉज कॉस्को में जो सामान मिलता है वो बल्क में मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कॉस्को, क्योंकि आप एक ही बार सामान ला के रख देते हो और आपको बार बार बाज़ार के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हाँ, अगर आपके पास स्पेस कम है तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज बल्क में सामान मिलता है तो आपको रखने की जगह नहीं है, तो मैं उनके लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगी, वो वॉलमार्ट सुपर स्टोर जो भी उनका है वहाँ से वो ले सकते। मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कभी ना ये नहीं होता कि यार मेरे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो अब मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त सामान होता ही होता है। मैं आपको बताती हूँ, तो जैसा कि आपने देखा कि अभी भी ऐसे लगता है ना, एक पेंट्री पूरी फुल पड़ी, टिश्यूज, फेस वॉश, हैंड सोप्स, एवरीथिंग लाइक बल्क में आते हैं तो हमें बार बार जाने की ज़रूरत है। एक्सपायरी डेट होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उसकी एक्सपायरी हो जाती है तो आपको कि ला के सामान रख दो और आप यूज़ ही ना करो। फेस वॉश की अगर बात की जाए तो मैं न्यूट्रोजेना का यूज़ करती हूँ, तो वो 2 packs का मुझे पड़ा था आई थिंक $16 or $17, और काफ़ी बिग बॉटल है उसकी। तो अगर आप वही फेस वॉश लेने जाओगे बाहर वॉलमार्ट से, सुपर स्टोर से, तो एक आपको पड़ेगा वो भी छोटी वाली बॉटल आई थिंक $11 or $12 की। तो कौन सा चीप है, कॉस्को ही चीप है ना। तो अभी भी मेरी वो बॉटल चल रही है और एक बॉटल मेरी अंदर पड़ी हुई है। जब आप कॉस्को में जाते हो तो आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है, मैं वाकई इसको यूज़ करूँगा तो ही आप लो। बिकॉज कॉस्को में आई नो कि ये चीज़ हो जाती है कि जब आप जाते हो ना, कहते हो ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, बट वही अगेन वो आपकी विल पावर है, आपने स्पेंड करने हैं उतने पैसे, आपने वो चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर आपको चाहिए तो आप लो, अगर आप खाओगे, आप वो यूज़ करोगे तो लो, अगर आप नहीं करोगे तो देन वाई। सो मुझे नहीं लगता कि कॉस्को में जाकर, जैसे लोग कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करते हो, बिकॉज हम नहीं करते, हम वही चीज़ लेते हैं जो हमारी ज़रूरत की हो, अदरवाइज हम नहीं लेते। तो ये आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा। एनीवेज अपनी अपनी चॉइस है यार, मैं तो जस्ट बता रही थी, बिकॉज मुझे ना ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप कॉस्को से शॉपिंग करते हो, हमें तो ऐसा लगता है कि हम जितनी बार भी कॉस्को जाते हैं तो हमारा $500 का बिल आ जाता है। ट्रस्ट मी, हम जितनी बार भी जाते हैं ना कॉस्को, लाइक एवरी 2 weeks ही जाते हैं हम, उससे पहले नहीं जाते, तो हमारा ग्रॉसरी का सिर्फ बिल आता है $150 और 200। अगर हमने घर का सामान ले लिया, कोई चीज़ एक्स्ट्रा, तब पैसे बन जाते हैं, वो तो फिर आपकी ग्रॉसरी नहीं ना हुई, वो तो आपकी अलग चीज़ है जो आप बाय कर रहे हो, तो उसके पैसे तो लगेंगे ही ना। तो बट अगर ग्रॉसरी का ही आप एवरी 2 weeks $500, $600 खर्च कर रहे हो, तो देन इज़ अ प्रॉब्लम विद यू मैन, बिकॉज आई थिंक या तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा आपका जो खाने पीने का है डिपेंड करता है आप पे वो है, तो या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा स्टफ बाय कर रहे हो और अंदर पड़ा हुआ है और देन आप उसको बाद में डस्टबिन में फेंक रहे हो। सो ये आपकी विल पावर है, हम वही चीज़ें लेते हैं जो हमें पता है, बिकॉज हमारी स्ट्रिक्ट एक किस्म की, मैं डाइट नहीं कहूँगी कि हम डाइट करते हैं, बट हमारी स्ट्रिक्ट वही चीज़ें हैं, हमने वही खानी है तो हम वही लेते हैं। हम ये नहीं कि यार ये ले लेते हैं बना लेंगे, ये ले लेते हैं बना लेंगे और फिर अंदर पड़ा रहा और बनाया नहीं, एंड देन वेस्टेज, वो चीज़ हम नहीं करते। ओनली जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं या कोई
सेलिब्रेशन होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है, तब हम एक्स्ट्रा चीज़ें बाय करते हैं कि ये चीज़ चाहिए है हमें बाय करनी है, ये चीज़ चाहिए हमें बाय करनी है। सो चलो, मैंने कहा कि कॉस्को की बात छिड़ी थी तो आज बात कर ही लेते हैं। चलो मैं करती हूँ अपनी कॉफ़ी इंजॉय अभी, तो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ एंड फिर जब अंकुश आ जाएगा तो फिर चलते हैं हम ट्रीट्स लेने। तो अभी मैं आई थी सामान लेने के लिए थोड़ा, तो ये ना मॉल में देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा पम्पकिन वगैरह हैलोवीन की थीम बनाई हुई है। तो सामान तो मैंने ले लिया, अब कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, कॉफ़ी पीते हैं एंड देन घर चलते हैं, पैकिंग वगैरह भी करनी है।